हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। टुडे वी वुड बी डूइंग द रिव्यू ऑफ द पेपर BEGS 185 दैट इज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो हम लोग अभी देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे करके इसको लिखना है, ये चीज़ हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में जैसे है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग, तो शॉर्ट नोट्स करके दे सकता है क्वेश्चंस, और ये आपका 5x5 25 मार्क्स का है। और जैसे क्वेश्चंस है डेवलपमेंट लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका लैंग्वेज में जो आपका जो डेवलपमेंट होता है, जैसे हम लोग एज हम लोग ग्रो करते हैं उसको जो प्रोनाउंसिएशन है उसके बारे में ये बोला गया है, इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में, डेवलपमेंट लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में ये पूछा गया है। फिर यहाँ पर नंबर टू में है विजुअल मोटर डिफ़िकल्टीज़, जैसे कोई विजुअल का कोई चीज़ है तो उसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो ये वाला क्वेश्चन है। फिर थ्री है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, फोर है जनरल स्कॉलिस्टिक एबिलिटी, और फिफ्थ है लर्नर इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी। तो यहाँ पर ये सब डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे विजुअल मोटर डिफ़िकल्टीज़ में आपका जो विजुअल जो आईसाइट जो है उसमें कुछ कुछ वर्ड्स में, जैसे हम लोग लास्ट ईयर में भी पढ़े थे बेगला 138 में कि विजुअल डिस्क्रिमिनेशन करने में दिक्कत होता है, ठीक है। वर्ड्स का जो है उसमें कौन सा वर्ड है पी और क्यू, और वो सब वर्ड्स में आपका डिफरेंस में डिफ़िकल्टी होता है, ठीक है। फिर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, मतलब बहुत सारे इंटेलिजेंसेस के ऊपर में ये चीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर साइकोलॉजिकल अप्रोच भी है, ये वाला बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स के ऊपर में भी बताया गया है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। ये पेपर थ्योरी पेपर ज़्यादातर है, ठीक है। और सेक्शन बी में क्या है चलिए देखते हैं, लर्नर इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी, जो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला आपका ऑटोनॉमस लर्नर के ऊपर में है, ठीक है। ऑटोनॉमस लर्नर या जो इंटेलिजेंट लर्नर्स होते हैं उसके बारे में है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है। आपके जो हेडिंग में है वही पढ़ी, अब सब कॉन्टेक्स्ट में ही लिखा हुआ है ये चीज़, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है। कुछ कुछ चीज़ को थोड़ा घुमा दे सकता है, जैसे लर्नर इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी, तो ऑटोनॉमस लर्नर करके भी है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं सेक्शन बी में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 150 वर्ड्स ईच, जो कि 3x10 30 मार्क्स का है। डिस्कस द स्पीच एंड लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ इन चिल्ड्रन, तो स्पीच एंड लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या स्पीच में उसमें दिक्कत होता है, ठीक है। ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है, और भी जो प्रोनाउंस करने में उसका जो वर्ड जो प्रोनाउंस कर रहा है वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। डिस्कस द अंडर प्रिविलेज लर्नर्स एंड देयर हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब अंडर प्रिविलेज लर्नर किसको कहा जाता है, अंडर प्रिविलेज लर्नर जिसको, अंडर प्रिविलेज के मतलब ही क्या है कि जिसके पास उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है, जो क्लास या जो बुक्स है उतने में ही उसका होता है, ठीक है, उसको उतना फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है, ठीक है। अंडर प्रिविलेज लर्नर्स उनको बताया जा रहा है, एंड देयर हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसका एजुकेशन में कैसे करके उन लोग करते हैं, ठीक है। तो व्हाई डू स्टूडेंट्स लूज इंटरेस्ट इन स्कूल वर्क इन जनरल, व्हाट कैन द टीचर्स डू टू हेल्प देम रीन्यू देयर इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़। देखिए एक चीज़ तो ये होता है कि जो स्कूल वर्क होता है जनरल में वो बहुत ही लेंदी होता है या टास्क टेकिंग होता है, ठीक है। तो उसमें इंटरेस्ट बनाने के लिए वो सब्जेक्ट को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उस चीज़ को थोड़ा फन वे में कर सकते हैं, या कोई चीज़ में जैसे कोई एप्टीट्यूड हो या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज हो उसको फन लिविंग वे में कर सकते हैं, तो इसी के बारे में पूछा गया है। तो जनरली क्या होता है कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी ही वो सब्जेक्ट में लूज़ इंटरेस्ट करते हैं, जैसे सपोज़ हिस्ट्री है या कोई भी सब्जेक्ट है जो कि बहुत डेंस है, तो इसके बारे में इसीलिए ही बहुत सारे जन ये चीज़ में बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझाया जाए, देखिए हर एक लर्नर एक डिफरेंट होता है, ठीक है, हर एक लर्नर डिफरेंट होता है और उसका जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है वो भी डिफरेंट होता है, तो ये समझना पड़ेगा कि कौन सा लर्नर कैसा है। और ये टीचर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सा लर्नर शायद एक चीज़ को 5 मिनट में सीख सकता है, एक चीज़ को शायद वो आधा घंटा या 1 घंटा में भी उसको लग सकता है या 2 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर में है कि वो चीज़ को, वो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग समझता है या बोरिंग समझता है, वो पढ़ने से भी उसको समझ में आता है कि नहीं,
या वो उसको समझ पाता है कि नहीं, इसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सेक्शन सी में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच, जो कि 3 × 15 45 मार्क्स का है। तो ये 15 मार्क्स का है, तो ये 250 वर्ड्स का भी आ सकता है, 300 वर्ड्स का भी आ सकता है, क्योंकि 15 मार्क्स का है, 300, 350 ऐसे टाइप का वर्ड्स आ सकता है। डिस्कस द डिफ़िकल्टीज़ विथ राइटिंग, अब राइटिंग में क्या होता है कि बहुत टाइम में दिक्कत होता है आपका, ग्रामर में मिस्टेक्स होता है, ठीक है, फिर ग्रामर के मिस्टेक्स के साथ साथ और भी मिस्टेक्स आते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा राइटिंग में मिस्टेक्स आता है, या आपका फॉर्मेशन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक्स आता है, ठीक है, आपका वर्ड्स जो यूज़ होता है उसमें मिस्टेक्स होता है, तो डिफ़िकल्टीज़ और कॉन्सेप्ट में उसको वर्डिंग में देने में, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देने में उसमें गलती हो सकता है, तो इसी के बारे में ही राइटिंग के ऊपर में है। हाउ कैन द करिकुलम बी मेड मीनिंगफुल फॉर द अंडर प्रिविलेज लर्नर्स, अब मीनिंगफुल कैसे करके, जो अंडर प्रिविलेज लर्नर्स होते हैं उनके पास उतना फैसिलिटीज़ नहीं रहता है, तो कैसे करके करिकुलम को और मीनिंगफुल बनाया जाए जिससे वो कम रिसोर्सेज से भी बहुत अच्छे से उसको सीख पाए, क्योंकि अंडर प्रिविलेज लर्नर्स के पास उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहता है, तो इस चीज़ के लिए उनको सपोर्ट करना चाहिए, या उनको जो स्टडीज़ है उसको अच्छे से समझाना चाहिए, ताकि वो कम पढ़ने से भी उन लोग समझ पाए, ठीक है, क्योंकि उन लोग के पास उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहता, लाइक उन लोग के पास उतने गैजेट्स नहीं रहते हैं, या उन लोग के पास उतने फैसिलिटीज़ नहीं रह पाता है, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से जब भी स्कूल या जो भी टीचर है वो उनको अच्छे से उनको समझाए, इसके बारे में ही ये बताया गया। डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस बाय अंडर प्रिविलेज लर्नर इन लर्निंग इंग्लिश एंड वेज इन विच दे कैन बी हेल्प टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, अब अंडर प्रिविलेज जो लर्नर्स होते हैं ये इंग्लिश में क्या डिफ़िकल्टीज होता है, इसमें ये पूछा गया है कि प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई द अंडर प्रिविलेज लर्नर्स एंड वेज इन विच दे कैन बी हेल्प टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, अब कैसे करके, जैसे मैंने बताया कि उन लोग के पास उतना फैसिलिटीज़ नहीं रहता है, ठीक है, उन लोग को शायद पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, बुक्स भी नहीं होता है, या उन लोग इंग्लिश फॉर्मेशन में उन लोग का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में दिक्कत होता है, ठीक है, या कभी भी अगर उन लोग कोई चीज़ में समझने में दिक्कत होता है तो उसको कैसे करके ओवरकम करना है, तो जब भी वो हो सकता है तो सिंप्लीफाइड वे में उसको वे बेटर अंडरस्टैंडिंग वे में इसको समझाया जा सकता है, ठीक है, तो ये बुक में दिया गया है। मैं जस्ट एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आ सकता है इसके बारे में एक स्ट्रक्चर लेके आया आज, ये एक एग्जैक्टली एक आंसर की सेट नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज़ खोजो, ठीक है, ये पेपर एनालिसिस नहीं है, जस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और कुछ में जो इम्पॉर्टेंट की थिंग्स था उसको आपको बताया, ठीक है, आप जल्दी से इस पेपर को, जब पेपर अटेम्प्ट करते हो तो जल्दी से कीजिएगा, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। प्रॉब्ली ये 4 credit code है, ये 50 मार्क्स का आ सकता है, या अगर ये अगर उन लोग चाहे तो 100 मार्क्स का भी दे सकता है, जनरली 4 credit code का 50 मार्क्स का होता है, बट अगर उन लोग चाहे तो 100 मार्क्स का भी दे सकता है, डिपेंड्स ऑन देम, क्योंकि PGS 186 का भी जो पेपर आया था वो आपका 100 मार्क्स का था, ऑल्दो वो 4 credit code का था, तो ये पहला बार हो रहा है, तो आप मार्क्स के हिसाब से अगर देखिएगा तो उतना मत सोचिए, जो भी होगा टाइम को बैलेंस कर दिया जाएगा, आप लोग अच्छे से उसको लिखिएगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ में आया था, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।